What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 7th मई 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:17 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। कल हमने देखा एक डाउन ट्रेंड टू रिकवरी फेज चल रहा था मार्केट में, तो काफ़ी मुश्किल ट्रेडिंग का फेज था, क्योंकि जो SL है इस वोलेटाइलिटी के कारण काफ़ी हिट हो सकने के चांसेस होते हैं, तो रिकवरी फेज में ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे समय में अगर देखें तो अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। एक या दो घंटे में ही मार्केट का अंदाज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे और उसके बाद निफ्टी का चार्ट देखेंगे और इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 6th मई आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9402 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9147। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद टूवर्ड साउथ की तरफ जब ये मूव हुआ, तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 9113 ये ऑलमोस्ट अचीव हुआ और यहाँ से ही एक सपोर्ट लेके ये फिर से रिकवरी फेज में ये चला गया। लेकिन हालांकि देखे तो काफ़ी रेजिस्टेंस लेवल्स थे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल था, मूविंग एवरेजेस इंट्राडे टाइम फ्रेम में अलग अलग टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेजेस अलग अलग लेवल्स पे आ रहे थे। तो रिकवरी आने के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पर काफ़ी थे, तो काफ़ी कंसोलिडेशन क्रंची मार्केट कल यहाँ पर देखने को मिला। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट से हालात देख लेते हैं। उससे पहले जो अभी पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस के वजह से, ये जो नेचुरल क्राइसिस है उसके साथ ही साथ अभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है। तो जो सेविंग्स है, जो कंपनी का पोटेंशियल है रिजर्व्स के ऊपर, तो वो काफ़ी देर ये इम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो है वो नहीं खींच सकती, उनको भी कॉस्ट कटिंग बहुत ही करना ज़रूरी है। अगर सर्वाइव करना है आगे आने वाले दिनों में तो उनको भी ये कॉस्ट कटिंग करना ज़रूरी है। हालांकि इससे जो जॉब कट्स होंगे उससे जो आम आदमी है, इंडिविजुअल्स है, उसका परचेसिंग पावर यहाँ पर कम हो जाएगा और इसका असर सीधा हमें ट्रेडिंग के ऊपर देखने को मिल सकता है। जो डे टू डे बिजनेस होता है मार्केट में रिटेलर्स का, उसके ऊपर अगर परचेसिंग पावर ख़त्म हो जाएगी लोगों की, तो वहाँ पर हमें सीधा तौर पे इसका असर देखने को मिला। हालांकि अभी ऊबर ने भी एक जॉब कट का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, तो ऐसे एक न्यूज़ आ रहे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर इसका जल्द से जल्द हल नहीं निकलता, वैक्सीन नहीं आ जाती, तो जब भी ये बिजनेस प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं। तो ऐसे फेज़ में जो बिजनेस यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे और जिनको इसेंशियल कैटेगरी में डाला गया है वो बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं। हालांकि दूसरे अलग इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखें, नासडैक तो 45 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, वहाँ पर भी एक नैरो रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दिया। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो वहाँ पर भी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एशियाई बाज़ार जब आज ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल 101 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स लंबी छुट्टी के बाद आज शुरू हुआ है, तब 31 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। हांगकांग मार्केट 117 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है और ताइवान मार्केट 35 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो मिला जुला कारोबार इस समय एशियाई बाजारों में दिखाई दे रहा है। डाव फ्यूचर देखे तो 61 पॉइंट की इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। यहाँ पर ये जो फॉल आया था इसका टॉप और बॉटम पकड़ के हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था, तो अभी इसका 50% का ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो हम लोग देख सकते हैं अभी एक इस 50% के लेवल के पास यहाँ से एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये करेक्शन बढ़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स कहाँ होंगे, तो इसके लिए हम ये जो लो है और यहाँ से रिकवरी फेज का ये जो टॉप है इसको पकड़ के अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हम अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर 8980 के पास नेक्स्ट सपोर्ट है। अभी ये वीकली
चार्ट हम देख रहे हैं, 2 दिन बाकी है वीक खत्म होने के लिए, तो इसका क्लोज कहाँ पर आता है ये काफी क्रूशियल होगा, देखने लायक होगा। तो ये अगर ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो आने वाले समय में निफ्टी इंडेक्स में और भी हमें यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ हमें फॉल दिखाई दे सकता है। अगर ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ये जो लो है इसके ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से फिर से एक बार निफ्टी में ये जो अपसाइड मूव हमें देख रहा है वो कंटिन्यू होते हुए हमें नजर आए। तो ये फिलहाल वीकली चार्ट का सिनेरियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लास्ट 4 डेज से एक पैटर्न बना हुआ है लोअर हाईज लोअर लो का। कल का ये जो कैंडल है ये भले ही ग्रीन बना हो लेकिन इसने लोअर हाईज लोअर लो के पैटर्न को यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू रखा है। लोअर हाईज लोअर लो यानी क्या, ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल का हाई, ये भी नेक्स्ट कैंडल का हाई उसके नीचे है। इस तरह से लोअर हाईज लोअर लो का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये दोजी जैसा कैंडल है यानी इनडिसिजिव पैटर्न, ना बुल्स जीत पा रहे थे ना बियर जीत पा रहे थे। तो ये 20 EMA का काफी क्रूशियल सपोर्ट है। ये लगभग कल इसने इसको रिस्पेक्ट किया और जस्ट इसके ऊपर आके क्लोज हुआ। हालांकि जो पैटर्न है ये अभी डाउन ट्रेंड का बना हुआ है तो ये यहाँ से ये 20 EMA ये जो अभी अराउंड 9,240 के पास है ये हो सकता है ब्रेक हो। अगर इसे फिर से अपसाइड मूव यहाँ से दिखाना है तो हायर हाई हायर लोस के पैटर्न हमें डेली चार्ट में देखना जरूरी है, तो ही यहाँ पर हमें अपसाइड मूव ये जो आया था ये कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है। अभी फिलहाल ये 9,240 का क्रूशियल सपोर्ट तोड़ने के कगार पर है। अगर हायर हाईज बनाता है यहाँ से तो ही चांसेस होंगे फिर से एक बार हमें अपसाइड मूव देखने को मिले। ये डेली और वीकली चार्ट का फिलहाल सिनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ मूव होता है तो ये जो कल के वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा ये जो बियरिश कैंडलस्टिक था इसका हाई के ऊपर हमने ये ब्रेकआउट लेवल रखा था, तो इसको कल इसने आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया इस कैंडल के हाई को। और यहाँ पर इस लेवल के पास अगर पास्ट में देखे तो एक जबरदस्त रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया था निफ्टी इंडेक्स ने। तो इस लेवल के ऊपर अगर चला जाता है निफ्टी इंडेक्स आज और इसके बाद यहाँ पर R1 का भी पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 9,373 इसको अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा एक क्विकली छोटा टारगेट होगा 9,400, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9,430, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो कल का ये जो लो है जहाँ से इसने ज़बरदस्त एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की तो इसको ब्रेक होने दीजिए, 9,117 को ब्रेक होने दीजिए कंफर्टेबली, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 9,066, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S2 के लेवल के जस्ट ऊपर यानी 9,027, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।